बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पकाएंगे प्याज़ा भिंडी। सो इसलिए हमारे को चाहिए भिंडी, और भिंडी काटी है बड़ी बड़ी, इंच डेढ़ इंच काट सा किया है इसको भिंडी को। ये कचुम्बर प्याज काटा है, ये कचुम्बर टमाटर काटा है, ये शाशलिक की तरह प्याज काटा है। प्याज़ा भिंडी इसी की वजह से हो गई। ये भी चॉप किया है मिर्ची, ये धनिया है, और ये लहसुन है, सिर्फ अदरक नहीं है, कलौंजी है, धनिया, लाल मिर्ची और नमक, हल्दी, कटर मिर्च और ज़ीरा। तो ये भिंडी जाएगी इसके अंदर, तेल गरम नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर भी चेंज नहीं होगा, पक भी जाए इसी में और हल्का सा फ्राई भी हो जाए। अभी इसको और थोड़ा छोड़ेंगे, इसका कलर चेंज ना हो, भिंडी पक जाए, इसका कलर भी चेंज ना हो। इसको हम निकाल देंगे। अभी जाएगा इसमें लहसुन, इसी के साथ जाएगा जीरा, इसके साथ जाएगी कलौंजी, लहसुन और जीरे की और कलौंजी की खुशबू आ गई है और हल्का सा फ्राई हो गया कचुम्बर प्याज। जाएगा ये टमाटर जो कचुम्बर काटे हुए, प्याज प्याज और टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, तभी मसाले डाल देंगे, कटर मिर्ची है, ये हल्दी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर और हल्का सा धनिया जाएगा और ये कचुम्बर और मिर्ची। देख सकते हो कितना कितना खूबसूरत कलर आया इसका, प्यारा प्यारा। अभी जाएंगे इसके अंदर भिंडी, और जाएगा इसके अंदर नमक, फिर इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज, मिक्स कर देंगे।
दो मिनट के लिए ढकना दे देंगे। इसको दो मिनट हो गए, भिंडी हमारी रेडी हो गई है, इसको भी तैयार कर देंगे।